हे गाइस, मैं प्रशांत सिंह और आप देख रहे हैं टेक इट जेड। और आज मैं कंपैरिजन करूंगा इस जेनरिक लेपल माइक का और इस मोनो एयू 400 लेपल माइक का। दोनों बहुत ही सस्ते माइक हैं। जेनरिक माइक जो है वो शायद मार्केट में सबसे सस्ता लेपल माइक होगा जो आप खरीद सकते हैं, और ये मोनो एयू 400 माइक जो है ये सबसे सस्ता शायद ब्रांडेड माइक होगा जो आप खरीद सकते हैं। बेसिकली मैंने ये जेनरिक माइक 128 रुपये में खरीदा था, जबकि ये मोनो लेपल माइक 279 रुपये में खरीदा था। और अगर आप नॉर्मल टाइम पे देखेंगे तो ये 150 के अंदर आपको जेनरिक माइक मिल जाएगा, जबकि मोनो लेपल माइक 300 के अंदर हमेशा मिलता है। लेकिन अभी लॉकडाउन के समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको ये माइक, दोनों माइक जो है बहुत ही इन्फ्लेटेड प्राइसेस मिलेंगे, करीब 500-500 रुपये के ऊपर ही दोनों माइक हो गए हैं लगभग। तो इस समय मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप खरीदें, क्योंकि ये नॉर्मल प्राइसिंग नहीं है। तो पहले कंपेयर करते हैं दोनों की बिल्ड क्वालिटी। तो वायर्स दोनों के बहुत ही फ्रेजाइल हैं, बहुत ही कमज़ोर वायर्स हैं, लेकिन मोनो लेपल माइक का जो वायर है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा मजबूत है, और इसमें थोड़ी सी नॉइस शील्डिंग भी है थोड़ी बहुत, जबकि जो जेनरिक लेपल माइक है इसमें कोई भी नॉइस शील्डिंग नहीं है और ये बहुत ही थिन वायर है, बहुत पतला। अगर वायर लेंथ की बात आप करेंगे तो लंबाई इस मोनो लेपल माइक के वायर की लंबाई लगभग दोगुनी है इस जेनरिक लेपल माइक से। मोनो लेपल माइक लगभग 2 मीटर लंबा वायर है, जबकि जेनरिक लेपल माइक में करीब 1 मीटर लंबा, शायद 1.2 मीटर लंबा है। दोनों के जो माइक्रोफोन मॉड्यूल्स हैं दोनों प्लास्टिक के हैं, मोनो लेपल माइक का थोड़ा सा मजबूत है। तो अब बात करते हैं आपको बॉक्स में क्या मिलेगा। पहली बात, जेनरिक लेपल माइक के साथ आपको कोई बॉक्स नहीं मिलता, आपको ये सील्ड प्लास्टिक मिलता है, सील्ड प्लास्टिक बैग। और ऑफकोर्स मोनो लेपल माइक के साथ आपको बॉक्स मिलता है, और दोनों के मैंने आपको रिव्यू, अनबॉक्सिंग रिव्यू अलग अलग दिए हैं। तो मतलब अनबॉक्सिंग रिव्यू एक ही में है इसका, और इसका अलग अलग वीडियोस हैं दोनों के, ऑफ कोर्स दोनों माइक के दो अलग वीडियो होंगे, तो उसे आप देख सकते हैं। मैं कार्ड्स में दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, उसे आप जाके देख सकते हैं। उसमें आप फुल डिटेल में देख सकते हैं बेसिकली कि आपको बॉक्स मिलता है और किस तरह की क्वालिटी है। तो पहले जेनरिक माइक की बात करते हैं, तो इसमें जो है प्लास्टिक की क्लिप मिलती है, जबकि मोनो लेपल माइक में आपको मेटल की क्लिप मिलती है। और जो क्लिप है जेनरिक माइक में ये मैन्यूरेबल है, इस तरह से आप मैन्यूवर कर सकते हैं, घुमा सकते हैं इसे, जबकि जो मोनो लेपल माइक की क्लिप है वो एक ही जगह फिक्स रहती है। और जेनरिक लेपल माइक क्लिप जो है वायर पर लगी होती है, जबकि मोनो लेपल माइक की आपको जो है मॉड्यूल पे फिक्स करनी होगी, मॉड्यूल फिक्स होती है ये। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जहाँ भी आप इसे प्लग करेंगे ये हिलने नहीं देती माइक को, जबकि ये जेनरिक लेपल माइक की जो क्लिप है ये वायर पर लगी हुई है, इसलिए जब जहां आप क्लिप करेंगे ये माइक हिलता रहता है। दोनों में आपको पॉप फिल्टर्स मिलेंगे, जैसा आप देख सकते हैं फोम पॉप फिल्टर्स, क्वालिटी दोनों पॉप फिल्टर्स की एक ही है। जेनरिक लेपल माइक जो है इसमें आपको TRS, ये नेटिव TRS जैक है इसका, जो कि स्मार्टफोन में नहीं प्लग इन होता, इसके लिए आपको एक अडाप्टर मिलता है स्मार्टफोन प्लग इन करने के लिए, TRS to TRRS जैक, जबकि मोनो लेपल माइक में आपको नेटिव TRRS जैक मिलेगा। यहाँ पे ये डायरेक्ट आपके स्मार्टफोन प्लग इन होगा, और अगर आपको DSLR कैमरा वगैरह एक साथ यूज करना है तो आपको ये अडाप्टर भी साथ मिलता है, TRRS to TRRS जैक। और जो अडाप्टर की क्वालिटी है दोनों में, दोनों की, जेनरिक लेपल माइक की और मोनो लेपल माइक की, मोनो लेपल माइक का अडाप्टर ज़्यादा अच्छा है ऑफ कोर्स, और जेनरिक लेपल माइक का अडाप्टर जो है थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा नहीं इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि मोनो लेपल माइक के अडाप्टर में आप देखेंगे ये प्लास्टिक, इस पर शाइनी प्लास्टिक हाउसिंग है बेसिकली, ये इसे मजबूत बनाती है, जबकि ये जो जेनरिक लेपल माइक का अडाप्टर है ये इसमें कई फेलियर पॉइंट है, चूँकि ये ओपन वायर है, इसकी तरह कॉम्पैक्ट नहीं है, ओपन वायर है, तो ये इसमें फेलियर पॉइंट से कहीं से खींच सकता है, निकल सकता है, और बेसिकली ख़राब हो सकता है, वायर्स टूट जाते हैं इस तरह से। मुझे ऐसे अडाप्टर्स नहीं पसंद जिसमें ये वायर्स इस तरह से होते हैं, इस टाइप के अडाप्टर ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं इस टाइप के अडाप्टर। इसके अलावा दोनों माइक जो है अडाप्टर्स में काफ़ी टाइटली फिट भी होते हैं, और ऐसा कोई ख़तरा नहीं कि अगर थोड़ा सा खींच जाए कहीं तो कनेक्शन छोड़ दे, ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। इसके अलावा आप मोनो लेपल माइक के साथ ये कैरिंग बैग आपको मिलेगा, जबकि जेनरिक लेपल माइक के साथ आपको कुछ ऐसा नहीं मिलता। अब बात करते हैं दोनों की रिकॉर्डिंग क्वालिटी की। तो मोनो लेपल माइक जो है वो इलेक्ट्रेट माइक है, जबकि जेनरिक लेपल माइक जो है इलेक्ट्रेट माइक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जेनरिक लेपल माइक को जिसमें भी आप प्लग इन करेंगे उस डिवाइस से ज़्यादा पावर लेनी होगी काम कर ऑपरेट करने के लिए। इसके अलावा गेन भी आपको ज़्यादा बढ़ाना होगा जेनरिक लेपल माइक का, और ऑब्वियस है इसकी वजह से ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस ये कैप्चर करेगा, और इसके मुकाबले मोनो लेपल माइक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस कैप्चर करेगा। इसके अलावा जो है केबल, ये जो है मोनो लेपल माइक का ये एक हद तक नॉइस शील्डेड है, जबकि जेनरिक लेपल माइक के केबल में किसी प्रकार की नॉइस शील्डिंग नहीं है।
और इस वजह से जेनरिक लेवल माइक जो है बहुत ज़्यादा, अगर किसी भी जरा सा भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहीं आसपास है तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कैप्चर करता है, जबकि ये जो मोनो लेवल माइक है ये उसी वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कैच करेगा जब अगर आप किसी ऐसे रूम में हैं जहाँ बहुत हैवी अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला, या मैंने कहीं भी ऐसे अप्लायंस के करीब हैं अगर, या बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की वायरिंग के करीब हैं, या किसी ऐसे रूम में जहाँ बहुत ज़्यादा अगर छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं, कुल मिला के तभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कैच करेगा अगर पास में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है एकदम पास में, जबकि जेनरिक लेवल माइक में ऐसा नहीं है, जरा अगर कहीं भी थोड़ी सी दूर भी अगर हल्की सी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कैप्चर करना इसको है। ओके गाइस, तो अभी मैं जेनरिक लेवल माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप सुन सकते हैं कितनी नॉइस से पिकअप कर रहा है, कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ये पिकअप कर रहा है, और अब मैं मोनो लेवल माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप सुन सकते हैं कितनी नॉइस ये पिकअप कर रहा है और कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसमें है। तो क्या कंक्लूजन निकलता है दोनों का? मोनो लेवल माइक बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा है जेनरिक लेवल माइक से, और अगर आप पूछेंगे कि प्राइस इसकी जो है काफ़ी कम है, प्राइस का क्या, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और उतने में ही आपको काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा माइक मिल जाता है। जेनरिक माइक जो है सबसे सस्ता माइक है, बहुत सस्ता है, लेकिन ये लगभग यूज़लेस भी है, किसी काम का ये नहीं है। इसे यूज करने से अच्छा है अपने स्मार्टफोन का माइक यूज करिए ज़्यादातर कंडीशंस में। और अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे मोनो लेवल माइक तो रेशियो में ये डबल है इसका प्राइस, जो इसका प्राइस दोगुना लगभग है, लेकिन अगर आप अमाउंट में देखेंगे तो ये लगभग 150 रुपये ही है ज़्यादा। और ये शायद या लगभग मैंने जितने माइक्स यूज किए उसमें कह सकता हूँ कि ये 500-600 रुपये के अंदर बेस्ट माइक है मोनो AU400 लेवल माइक। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आपको इन दोनों में से चूज़ करना हो तो 100-150 रुपये ज़्यादा भले ही लगेंगे, लेकिन मोनो AU400 खरीदिए, ना कि ये 100-150 रुपये वाला जेनरिक लेवल माइक। और ऑफकोर्स इसके जैसा मैंने बताया दोनों वीडियोज़ मैंने अलग अलग दिए हैं दोनों के रिव्यूज़ के, आपको मैं वो वीडियोज़ कार्ड्स में भी दे दूंगा जैसा मैंने पहले बताया, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं दोनों के रिव्यूज़। तो ये था कंपैरिजन वीडियो, अगर आपको दोनों में से कोई चेकआउट करना है या दोनों चेकआउट करने हैं तो मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा दोनों के, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं प्राइसेस कितनी है और वहाँ भी रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं वेबसाइट्स पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसे डिसलाइक करें तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं क्यों आपने डिसलाइक कर दिया, और अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो सब्सक्राइब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ मिलें। और अगर आपको और वीडियोज़ मेरे देखने हैं तो यहाँ दो वीडियोज़ स्क्रीन पर होंगे, उन्हें आप देख सकते हैं या चैनल पर जाके आप कोर्स आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।